सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आपका कोई ड्रीम है? ऑब्वियसली बात है, आप सेशन को तभी देख रहे हैं अगर आपका कोई ड्रीम होगा, है ना। मैक्सिमम हर पर्सन का कोई ना कोई ड्रीम होता है, वो बात अलग है कि हम उन ड्रीम्स को खत्म कर लेते हैं, ड्रीम्स को मार लेते हैं, लेकिन होते हर पर्सन के हैं। अब हो सकता है आपका हो कि अच्छी एक लग्जरी गाड़ी लेनी है, किसी का होता है कि अच्छा बैंक बैलेंस लेना है, किसी को घूमने फिरने का शौक है, किसी को अच्छा घर बनाना है, कोई ना कोई ड्रीम होते हैं हर पर्सन के। इन ड्रीम्स को देखो, ड्रीम होना बहुत अच्छी बात है और मैं कहता हूँ बड़े होने चाहिए, लेकिन इनको फुलफिल करने के लिए ना हमें थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो, ड्रीम फुलफिल करने के लिए हमें एक अच्छी अर्निंग चाहिए, अर्निंग सोर्स चाहिए। उसके लिए हम थोड़ा सा कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझते हैं। दुनिया में एक्चुअल में चार कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो 90% पीपल्स ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, एक कैटेगरी में। इसमें कौन होते हैं? एम्प्लॉय, जो जॉब वगैरह करते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपने आप को ही जॉब दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शॉपकीपर है, कोई शोरूम ओनर है, जो कोई छोटा मोटा कोई भी जो अपने छोटे लेवल पे बिजनेस चला रहा है। उसके बाद सेकेंड बी ग्रुप आ जाता है, जिसमें सिर्फ 10% ही लोग हैं, लेकिन वो है बिजनेस ओनर्स, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, इन्वेस्टर, जो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इन 90 लोगों के पास सिर्फ 10% ही पैसा है। ये सिर्फ आई चलाई चलाने के लिए ही गुजारा कर रहे हैं, और जो 90% पैसा है वो किनके पास है? इस बी कैटेगरी के लोगों के पास। आज ही मैं एक न्यूज देख रहा था, कहते जो दुनिया के टॉप 26 टॉप 26 जो richest person है ना, उनके पास जितनी जमीन, मतलब जितनी उनके पास संपत्ति है, वो पूरी दुनिया उसके एक तरफ है और वो 26 लोग एक तरफ हैं, जो टॉप 26 richest person है। मतलब सिर्फ ये 5-10% लोग हैं जो एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि रोड से कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी निकली, मैं गारंटी देता हूँ 100% चांसेस होंगे कि वो किसी बिजनेस ओनर या किसी बड़े इन्वेस्टर की ही होगी। तो हमें अगर अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, तो हमें अपने काम करने के तरीके भी चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम काम तो वो कर रहे हैं जो ये 90% लोग करते आए हैं, तो आपको क्या लगता है हालात सुधरने वाले हैं? तो हालात भी वैसे ही होंगे जैसे आज तक इन लोगों के होते आए हैं। अगर भीड़ से अलग निकलना है, कुछ कामयाब लोगों की जो लिस्ट में शुमार होना है, तो उसके लिए ना वो काम करने पड़ेंगे जो ये सक्सेसफुल लोग करते हैं। ये जो बिजनेस ओनर है, ये जो बी कैटेगरी के जो 10% लोग हैं, इनमें ऐसा क्या खास है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। ये करते हैं अपने टाइम को मल्टीप्लाई। आपने कहा सुनी होगी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, बट शायद कहीं ना कहीं हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई जॉब करते हैं, जॉब में मिनिमम 8 घंटे तो काम करना ही होता है। अब वो जॉब करके मैं कहता हूँ 10,000 रुपए, हम 10,000-20,000 जितना भी अमाउंट है हम अर्न कर रहे हैं अपने घंटों को। अगर आप मान लो 8 की जगह पे आप पार्ट टाइम करने लग जाओ, 16 घंटे काम करने लग जाओ, तो आपकी हो सकता है सैलरी डबल आनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा तो काम कर नहीं ना सकते। एक दिन में एक लिमिटेड समय होता है। तो ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, आप किसी भी richest पर्सन का नाम चैट में बता सकते हो, जो भी आपके हिसाब से जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो रिच लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये करते क्या हैं? इनके पास भी तो 24 घंटे ही दिए हैं भगवान ने, लेकिन इन्होंने अपना टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। कैसे सीखा? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बड़ी कंपनी के पास 10,000 एम्प्लॉय है। अब वो 10,000 एम्प्लॉय, तो एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे तो काम करता ही है। अब 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस बड़ी कंपनी का एक दिन में कितना काम हो रहा है? 80,000 घंटे। तो एक आम इंसान जो दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, दूसरी तरफ इन बिजनेसमैनों का, इन बड़े लोगों का 80,000 घंटे काम हो रहा है। अब खुद जज करो कि इनकम किनको ज्यादा आएगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल लूं, अगर मान लो आप एक स्कूल के ऑनर हो और एक पर्सन है जो उस स्कूल में टीचर लगा हुआ है, पढ़ा रहा है, तो मुझे बताओ इनकम किसकी ज्यादा होगी, एक टीचर की या एक ऑनर की? ऑब्वियसली बात स्कूल के ऑनर की, क्योंकि उस एक टीचर जैसे वहां पे 10-11 और टीचर होंगे, तो ऑनर का एक दिन में 80-100 घंटे काम हो रहा है, लेकिन उस टीचर सिर्फ वो 8 घंटे या 4 घंटे ही अपना काम कर रहा है।
तो जितना घंटे ज्यादा काम करेंगे, जितने आवर्स हम बढ़ा लेंगे, उतना हम अपनी अर्निंग भी बढ़ा लेंगे। इस चीज में, इस अर्निंग बढ़ाने के दो ही ऑप्शन होते हैं, अपना टाइम मल्टीप्लाई करने के दो ही ऑप्शन है। पहला तो ये है, आप कोई ट्रेडिशनल काम शुरू करें। ट्रेडिशनल काम में क्या है, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर हमने हजारों में कमाना है तो लाखों रुपए में पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर लाखों में कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक तो वो ऑप्शन है, वहां पे आप इम्प्लॉय रख सकते हो, वर्कर रख सकते हो, अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, सबसे बेस्ट, सबसे इजी और विदाउट एनी कोई ऐसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस माना गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक अमीर आदमी के पास अमीर बनने के सैकड़ों प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन एक आम आदमी के पास, एक मिडिल क्लास, एक गरीब पर्सन के पास सक्सेसफुल होने के, अमीर बनने का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। या हमें हमें ऐसा लगता है कि यार ये ना कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री होगी। आप कंपेयर करके देखो म्यूजिक इंडस्ट्री से, वीडियो गेम इंडस्ट्री से, जो मूवी इंडस्ट्री हम देखते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो सभी इंडस्ट्री 88 बिलियन, कोई 90 बिलियन, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कितनी, उनसे डबल से भी ज्यादा। इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, $1 trillion इंडस्ट्री माना गया इस चीज को, और उस इंडस्ट्री का आप पार्ट बनने जा रहे हो। मैं नहीं बोल रहा कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जी को ले लो, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे। चाहे बिल गेट को ले लो, बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर मैं आज जीरो हो जाऊं ना, जीरो से शुरुआत करनी पड़े, दोबारा से उसी शानो शौकत को हासिल करने के लिए वो कोई अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करना प्रेफर करेंगे। हमारे पीएम मोदी जी हैं, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट, जिनको भारत रत्न का मतलब सम्मान मिला था, मिसाइल मैन माना जाता है जिनको, वो भी कहते हैं कि ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। जो भी लड़का या लड़की ने इसको यंग एज में अगर मिस कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट मिस कर देगा। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा लखपति और करोड़पति इंसान, करोड़पति बनाए हैं इस इंडस्ट्री ने, एज कंपेयर टू किसी भी अदर इंडस्ट्री के। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, ये हर बार टाइम के साथ साथ अपडेट होती है, ये हमें भी टाइम के साथ अपडेट होना चाहिए। आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो वही पुरानी सोच लेके चल रहे हैं, 20 20 साल, 40 40 साल। अब मुझे बताओ, हम 20 साल पुराना कोई मोबाइल यूज नहीं करते, कोई गाड़ी यूज नहीं करते, कपड़े यूज नहीं करते, तो प्लेटफॉर्म कैसे हम उसी को मतलब बार बार, जो अपडेट ही नहीं हुआ। अब आप देखो, जो लोग टाइम के साथ अपडेट नहीं होते उनके हालात क्या होते हैं, आप नोकिया को देख सकते हो। नोकिया है, उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। बहुत सी ऐसी एग्जांपल है जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं आज पिछड़ चुकी है। हमें अपने आप को टाइम के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा, और आज के टाइम के हिसाब से जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस बेस्ट प्लेटफॉर्म का नाम है इजो लाइफ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को ही चेंज करने वाला है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वहां पे कंपनी के बेनिफिट के लिए ज्यादा काम होता है। वहां पे क्या होता है, एक सेल्समैन बन के रह जाता है इंसान, बस सेल्स डालते रहो, इनकम आएगी। इनकम लेनी है तो इतनी सेल डालनी पड़ेगी, इतना काम करना ही पड़ेगा। वहां पे हर महीने लाखों में उनकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन जो बंदे से फुलफिल होती नहीं, उसकी वजह से फिर लोगों को क्विट करना पड़ता है। फिर मार्केट में वही लोग बोलते हैं, हमने भी की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इजो लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस चीज की परिभाषा ही चेंज करने वाला है। यहाँ पे आप आने वाले जो 10 मिनट में है ना, मैं इसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, आपको खुद ये चीज समझ आएगी कि ये इतना यूनिक और इतना बेस्ट क्यों है। प्रोफाइल की बात करें, मिस्टर मनिंदर हुड्डा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बड़ी एक नेक सोच के साथ इसको स्टार्ट किया। मनिंदर सर की एक बड़ी नेक सोच है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जिससे जहां पे लोग अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत तो कर ही सकें, बल्कि लोगों की भी हेल्प कर सकें, चैरिटी भी कर सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन
फाउंडेशन की स्थापना की। ये एक एनजीओ है जो आज पूरे इंडिया में सक्रिय है, जहां जहां पे हमारे वॉलंटियर एक्टिव है वहां पे हम सोशल एक्टिविटी वगैरह इस संस्था के माध्यम से करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक और साथ में प्लेटफॉर्म है CFAUS इंडिया सोशल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्राउड फंडिंग में डील करता है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। लास्ट एक साल लगभग मुझे होने वाला है इस सिस्टम पे भी काम करते हुए, और यहाँ से लगभग 12 लाख प्लस मैं यहाँ से अर्निंग ले चुका हूँ। तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली जो सिक्योर है वो यहाँ से कर चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इजो लाइफ तो है ही, यहाँ पे CFAUS है जहाँ पे लोग क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एनजीओ है जिसके माध्यम से लोग आप चैरिटी कर सकते हो, हमारा खुद का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, ऐसे हमारा खुद का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है इजो कार्ट, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। ये अभी बहुत ही जल्द इसको भी हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, आप सब लोग इसको यूज कर पाओगे। इसमें क्या है, मार्केट का हर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, चाहे शूज हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, मार्केट का हर प्रोडक्ट जो भी आपको किसी अदर वेबसाइट पे मिलता है यहाँ पे अवेलेबल होगा, और मार्केट से कम प्राइस में। यहाँ पे हम मतलब ये भी हमने डिजाइन किया है, एक आम पब्लिक को ही मैक्सिमम बेनिफिट देके चल रहे हैं, लोएस्ट मार्जिन पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा खुद का ई वॉलेट है, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे ही हमारा खुद का ही ई वॉलेट है ईजो पे, जो डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया के अधीन हम काम कर रहे हैं और RBI अप्रूव्ड है। आप जब काम करते हो अब वहां पे आपको कुछ शॉपिंग वाउचर्स वगैरह मिलते हैं जो आपको इजो कार्ट इजो पे पे जिनको आप यूज कर सकते हो, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इजो कार्ट के अंदर ही आज तक पहले बात ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इतना सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड कराया जा रहा हो। इकलौता इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इतनी सारी वर्सेटिलिटी आपको मिलती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जहां पे आप बना सकते हो। इजो कार्ट के अंदर ही एक और प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है इजो लाइफ। ये इजो कार्ड का ही पार्ट है। इजो लाइफ के बारे में बात करें, हमारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है ये वेबसाइट है izolife.in, वहां पे जाके आप हमारे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक कर सकते हो। अब थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि कहते हैं ना अगर हेल्थ है जान है तभी तो जहान है। अगर एक अच्छा कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, अर्निंग बाद में है, पहले एक अच्छी सेहत। सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या चाहिए, नेचर, ऑब्वियस ही बात है। नेचर में क्या चीजें आ जाती हैं, तीन चीजें आ जाती हैं, हवा, पानी और आप खुद बताओ क्या आज के टाइम में ये तीनों चीजें हमें नेचुरल मिल रही हैं? हवा, पानी और खाना, तीनों चीजें कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो चुकी हैं। कितने ये जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए जा रहे हैं, कितना मतलब ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। तो हम वही बनते हैं जो हम आज खा रहे हैं। आप चेक करें आपकी डाइट कैसी है, अगर हम फास्ट फूड, जंक फूड वो खा रहे हैं, उन चीजों को छोड़ें, हेल्दी फूड, फ्रूट्स वगैरह जितने पॉसिबल हो उसके अच्छी डाइट खाना शुरू करें। हमारे खुद के प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम न्यूट्रिशन में हम डील करते हैं, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जेंट्स के लिए आते हैं, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए मल्टी विटामिन हैं, सी बकथॉर्न, नो मोर, फैट कम ज्यादा करने के लिए, डायबिटिक्स के, मतलब हर तरह के प्रोडक्ट्स जो भी आज हमारे घर में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचने के लिए। देखो प्रॉब्लम हो गई बाद में ट्रीटमेंट कराने से बेटर है ना हम फूड सप्लीमेंट यूज करना शुरू कर दें। ये कोई मेडिसिन नहीं है, एक फूड सप्लीमेंट है जो हमें बीमार होने से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप, मैं एक ही प्रोडक्ट की आपको एग्जांपल दूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सी बकथॉर्न एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 700 तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है हमारे हमारे शरीर को। ये कोई मेडिसिन नहीं है, एक फ्रूट है, भगवान ने जो भी हमें चाहिए थे, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, जो हमें अमाइनो एसिड चाहिए थे, जो हमें विटामिन चाहिए थे, जो एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए थे, जो मिनरल चाहिए थे, जो एंटीऑक्सीडेंट, जो भी मतलब 100% हमारी बॉडी की जो डाइट है, भगवान ने इस मिरेकल प्रोडक्ट के अंदर, इस मिरेकल फ्रूट के अंदर डाल दी जिसका नाम है सी बकथॉर्न।
मार्केट में, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का हम ये चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस चीज को, ये चीजों को जब हम यूज करेंगे ना, फिर ही हमें अब पता चलता है पावर हाउस माना गया है सी वक्थॉन को। इसको मैं नहीं बोल रहा कि ये चीज अच्छी है, आप गूगल करो, यूट्यूब पे चेक करो, चाहे इंडिया में जो आयुर्वेदिक के सबसे बड़े वो माने जाते हैं बाबा रामदेव जी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे पीएम मोदी जी हैं, हर पर्सन, आप किसी भी आयुर्वेदिक जो एक्सपर्ट है उनसे पूछो कि इसकी क्या मतलब महत्ता है। सबसे पावरफुल मतलब ये फ्रूट माना गया, सबसे पावरफुल आयुर्वेदिक में सबसे मेन चीज मानी गई सी बकथॉर्न। तो इस क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स के कल हमारा सेशन होने जा रहा है जिसमें प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या क्या बेनिफिट है, किस किस चीज के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। देखो, नो डाउट प्रोफाइल अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन हमारा बेनिफिट क्या है? और कोई भी पर्सन कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं उसका मेन मोटो अर्निंग ही होती है, अर्निंग सोर्स बनाना, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाना। अर्निंग यहाँ पे आप कैसे ले सकते हो, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे कांटेक्ट करें, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल उनको चाहिए होगी, तो इससे क्या है आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वो कर देंगे। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप जाओ तो खुद भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, हम बोलते हैं कि कम से कम आप 2-3 प्रोडक्ट खुद यूज करके देखें, एक यूनिट तक का बिजनेस पहले करके दिखाना होता है, क्योंकि जब हम यूज करेंगे तभी तो हमें उस चीज की क्वालिटी पता चलेगी। हमें एक यूनिट की अगर बात हुई है, एक यूनिट इक्विवेलेंट होती है 5,000 रुपीज के, 5,000 प्लस उस पे कोई जीएसटी लगता है। तो जब भी आप 5,000 के कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको 5,000 की उस जो हमारा स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग पैक है उसमें क्या है, आपको 7,000 की कीमत तक के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको हम जब यूज करते हैं, जब हमें उनकी, देखो यूज करेंगे क्वालिटी फिर ही पता चलेगी, क्योंकि हर पर्सन अपनी चीज को अच्छा तो बोलता ही है। मैं की चीज अच्छी है ना, मेरी बात आप क्यों मानो? जब आप इनको यूज करोगे आपको क्वालिटी खुद पता चल जाएगी, जब इस चीज के रिजल्ट आएंगे, जब हमें बेनिफिट मिलता है हम 10 लोगों को आगे शेयर करते हैं। तो यहाँ से जो आपको बेनिफिट मिलता है चाहे प्रोडक्ट से चाहे बिजनेस से, उस चीज को आपने आगे शेयर करना, आगे रेकमेंड करना है। तो यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, इनकम कैसे आती है, कौन कौन सी किस किस तरह की इनकम आती है। सबसे पहले आ जाती है रिटेल इनकम। मान लो आपने प्रोडक्ट यूज किए, आपको अच्छा लगा, आपको बेनिफिट मिला, फॉर एग्जाम्पल घर पे कोई भी हेल्थ इशू था उसके लिए यूज किया, आपको अच्छा लगा। हमारी एक आदत है, एक नेचुरल चीज है, हम लोगों को आगे बताते हैं कि यार ये चीज बड़ी अच्छी है, मुझे बड़े इस चीज के बेनिफिट मिले, है ना, बताते ही है। तो आपने अगर किसी को आगे रेकमेंड किया, आपकी रेकमेंड से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसका भी 20 से वहां पे भी आपको 20 से 35% रिटेल इनकम मिल जाती है। मीन्स आपको 7,000 के जो प्रोडक्ट है, 7,000 की जो अप्रोक्सीमेटली MRP के, वो आपको कम प्राइस पे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये इनकम आ जाती है। इसके बाद जो मेन आगे आ जाता है कि आपकी रेफरेंस से अगर कोई पर्सन इस बिजनेस में ज्वाइन होता है, क्योंकि आज देखो नौकरियों के हालात आपको पता चल ही चुके हैं, 30 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से। इस कोरोना ने सबको हेल्थ और वेल्थ दोनों की इंपॉर्टेंस दिखा दी है। आज लोग सेहत के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं, उनको पता चल चुका है इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, क्यों जरूरी है अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए रखना। और लोगों को ये भी समझ आ चुकी है कि एक एक जो मेन इनकम से गुजारा नहीं होता, एक सेकेंडरी इनकम सोर्स बना लेना चाहिए। आज जो पर्सनों के दो मतलब इनकम अलग अलग सोर्स से आती थी, पार्ट टाइम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, उनका गुजारा अच्छा चल रहा है, अच्छा लाइफ चल रही है, जो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड थे किसी दुकान पे या किसी जॉब पे, उनसे पूछ के देखो कितनी टेंशन डिप्रेशन में है वो लोग, जब जॉब नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से आपने आईडी एक्टिवेट करवाई, आगे आप किसी को रेफर करते हो, आपने मान लो बी पर्सन को रेफर किया, वो भी आपकी रेफरेंस से यहाँ पे ज्वाइन होता है, काम करना स्टार्ट करता है, और मिनिमम 1 यूनिट का जब वो काम करता है तो उसका 12% आपको भी इनकम आती है। मतलब 5,000 प्लस जो उस पर जीएसटी लगता है उसका 12% आपको भी यहाँ पे कमीशन आती है। तो एक तो ये इनकम होगी, उसके बाद यहाँ पे बाइनरी इनकम आती है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 2 लोगों को ही स्पॉन्सर किया, वो 2 लोगों ने भी आगे आगे काम
काम किया तो आगे आगे जितना भी डाउन में बिजनेस होता रहता है उसकी जो मैचिंग होती रहती है, तो वहां से भी आपको पर मैचिंग का 10% बाइनरी रेफरल बाइनरी इनकम आपको आती रहती है। तो इसको ज्यादा डिटेल में जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे अगर ये चीज नहीं आपको समझ आई है बाइनरी इनकम क्या होती है, आप जरूर समझ लीजिएगा, उनसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने दो पर्सनों को स्पॉन्सर किया, बी और सी। अब इन दोनों की लेफ्ट साइड एक यूनिट है, लेफ्ट साइड जितना बिजनेस हो रहा है प्लस राइट साइड जितना बिजनेस हो रहा है, जितना भी ये मैच कर रहा है मतलब बराबर हो रहा है, तो इसका आपको 10% कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये डाउन टू डाउन डेप्थ तक आपको मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे 100 यूनिट हुई, दूसरी साइड पे 100 यूनिट हुई, तो 50,000 आपकी ये बाइनरी इनकम आ जाती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी सबसे यूनिक इनकम जिस चीज को कहूंगा और सबसे हाईएस्ट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इस 5 साल के टाइम में मैंने आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहां पे इतनी ज्यादा इनकम आपको मिल रही हो, इतना ज्यादा जहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल हो। यहाँ पे क्या है, बाइनरी लेवल इनकम। इसमें क्या है, आपको 5 लेवलों से इनकम आती है। आप यहाँ मैं देख सकते हो लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 8%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 से 1%। अब ये लेवल्स हैं क्या, ये कोई लेवल वैसे नहीं है कि जैसे आपने सुना होगा कि ये फलाना लेवल हो गया, नहीं, ये लेवल है। फॉर एग्जांपल आपने किन्हीं लोगों को बताया, आपने ए पर्सन को स्पॉन्सर किया, तो जो ए पर्सन है जो वो आपके बोलने पे ज्वाइन हुआ है, आप उसके डायरेक्ट अपलाइन हो, तो ए क्या है, आपका लेवल 1 वाला पर्सन है। जितने भी लोगों को आप खुद बताओगे, खुद आपकी रेफरेंस से आ रहे हैं, वो आपके लेवल 1 में आते हैं। वो जिनको आपने जो लेवल 1 वाले आपके पर्सन है वो जिनको आगे बताते हैं, जिनको आगे ज्वाइन करवाते हैं, वो लोग लेवल 2 में आते हैं। तो लेवल 2 वाले जिनको आगे ज्वाइन कराते हैं वो लेवल 3 में आते हैं, लेवल 3 वाले ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद अब ये इनकम आती कैसे और इनकम कितनी हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप सबके ड्रीम, कोई ना कोई ड्रीम तो होगा ही होगा। इस प्लेटफॉर्म में इतना दम है ना, आने वाले 6 महीने अब मैं आपको भी प्लानिंग दूंगा, उस प्लानिंग के हिसाब से आप चल लो, आपका बड़े से बड़ा ड्रीम आने वाले 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर आप फुलफिल कर सकते हो। तो करना कैसे है, ये लेवल इनकम, सिर्फ मैं लेवल इनकम की ही आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या है, ये 5 लेवल है, लेफ्ट साइड पे आप चेक कर सकते हो। आने वाले हम 6 महीनों की 6 मंथ की प्लानिंग लेके चलते हैं। लेवल फॉर एग्जाम्पल आपने आने वाले 6 महीनों में लोगों से शेयर करते रहे, अगर हम एक दिन में 3 लोगों से भी शेयर करते हैं तो 6 महीनों के अंदर अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो, 200-250 लोगों से आसानी से हम शेयर कर देते हैं। उनमें से मैं कहता हूँ अगर 100% भी ज्वाइन होते हैं, देखो हेल्थ तो हर पर्सन को चाहिए और पैसा भी आज के टाइम में हर पर्सन को चाहिए, मैं कहता हूँ 100% भी ज्वाइन हो जाते हैं। अगर 100 भी ज्यादा लग रहा है यार, अगर उनमें से 20% भी एक्टिव होके काम करते हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, 80 में कहता हूँ ज्वाइन होके छोड़ी गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, ज्वाइनिंग तो फ्री है, कोई भी कर सकता है। अगर 20% भी 6 महीनों में आपके एक्टिव हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में 50-60 हज़ार रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से 2-3 महीनों में अर्निंग लेना यहाँ पे सीख जाता है। अगर आपके 20 बंदे 50-60 भी छोड़ो, अगर वो सिर्फ 20,000 रुपए भी कमा रहे हैं ना 6 महीनों के बाद, आप चल के देखो, आप ये 20 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो लेवल 1 में इनकम कितनी जा रही है, 4 लाख रुपए। लेकिन ये इन सभी की इनकम है, आपको कितनी आनी है, 10%। लेवल 1 में कितना आता है, 10%, तो 4 लाख का 10% आप निकाल लो, 40,000 रुपए आपको सिर्फ लेवल 1 वाले लोगों से आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये नहीं कि ये सिर्फ 20% ही रहेंगे, ये भी तो आगे किसी को स्पॉन्सर करेंगे। अगर लेवल 1 वाले पर्सन जिनको भी बताते हैं वो आ जाते हैं आपके लेवल 2 में। अगर आपने मान लो 20% ज्वाइन कराए थे, इन 20ों ने 20 ना छोड़ो, सिर्फ 10-10% को ही ज्वाइन करवाते हैं, तब आपकी टीम कितनी बड़ी हो जाती है, 200 लोगों की। ये 200% की टीम 20,000 भी छोड़ो, अगर 10,000 पे भी कमाती है, 10,000 भी अर्न करती है, आपका लेवल 2 में बिजनेस कितना होता है, 20 लाख रुपए की अर्निंग, और उस 20 लाख का आपको कितना आना है, 8%, जो कि होता है 1.5 लाख मोटा मोटा, 1.6 लाख आपको लेवल 2 वाले पर्सन लेवल 2 वाली टीम से आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो लेवल 2 वाले पर्सन है ये भी तो आगे आगे शेयर करते हैं, आगे टीम बनाते हैं। अब ये जो लेवल 2 वाले पर्सन है,
10% भी छोड़ो, आधा काम भी करते हैं, सिर्फ 5% को ही बताते हैं, 5% को ही ज्वाइन कराते हैं, तब भी आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाती है। और ये पर्सन अगर हम कम मान के चले सिर्फ 5,000 पे भी कमा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्निंग टोटल 50 लाख की हो जाती है। और इसका आप कैलकुलेट कर लो, लेवल 3 से आपको 4% आना है, कितना बनता है 2 लाख रुपए। तो लेवल 3 से 2 लाख ये अलग से आते हैं। उसके बाद यहीं पे नहीं रुकता, ये लेवल 3 वाले भी तो आगे रेकमेंड करेंगे, आगे अपनी टीम बनाएंगे। तो ये ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ 3 लोगों की भी टीम बनाते हैं, 3-3 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं, तब भी आपकी टीम इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये पर्सन अगर सिर्फ 2500-2500 रुपया भी कमा रहे हैं, तब भी आपकी इनकम लेवल 4 में 75 लाख रुपए हो जाती है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 2% कितना बनता है, वो है आपकी लेवल 4 की इनकम, जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए है। अब ये भी यहाँ पे भी नहीं रुकने वाले, आपको लेवल 5 से भी इनकम आएगी। ये टीम जिन जिन को आगे ज्वाइन कराएगी, ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ, सिर्फ 2% को ही ज्वाइन करा रहे हैं। और ये जो टीम बनती है, ये ज्यादा नहीं सिर्फ 1000 रुपए कमा रहे हैं, 1000 रुपए तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर ये टीम सिर्फ 1000 रुपीज भी अर्न कर रही है, तो आपका यहाँ पे कितना बिजनेस होता है, 60 लाख रुपए का। और इस 60 लाख का आपको 1% आना है, जो हो गया 60,000 रुपए। आप इन सबको प्लस कर दो, लेवल 1 की इनकम, लेवल 2 की इनकम, टोटल आपकी इनकम कितनी बनती है, 6,10,000 रुपए, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। और ये मंथली नहीं है, शायद आपको हैरानी हो, हमारा जो पे आउट आता है वो वीकली आता है, मंडे से संडे तक क्लोजिंग होती है, और अगले मंडे को नेक्स्ट डे, संडे से नेक्स्ट डे मंडे को आपके अकाउंट में आपकी इनकम रिडीम हो जाती है, अकाउंट में आ जाती है। तो 6 लाख वीकली की बात कर रहा हूँ, वीकली छोड़ो यार, मंथली भी आना स्टार्ट हो जाए, क्या बुरी इनकम है। 6 महीने भी छोड़ो, अगर 1 साल में भी हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी अर्न करना शुरू कर देना, तो आप देखो बड़े से बड़ा ड्रीम हम कितनी जल्दी फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद मुझे बताओ कोई और प्लेटफॉर्म है, मुझे बताते हैं कि मैं ना 2 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ, मैं कितने साल हो गए, 5 साल, 10 साल, 10-10, अगर 10 साल 20 साल किसी इंडस्ट्री में लगाने के बाद भी इनकम 1.5 लाख 2 लाख के आसपास घूम रही है ना, तो कहीं ना कहीं हम गलत ट्रैक पर हैं। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जितना मैंने स्टडी किया है कि इतनी अच्छी अर्निंग यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद यहीं पे रुके नहीं, ये सिर्फ लेवल इनकम थी, ये जो आपकी टीम है ये जितना काम करेगी उनसे बाइनरी इनकम अलग से आएगी, उसके बाद आपकी डायरेक्ट इनकम अलग से आएगी। अगर आप रिटेलिंग करते हो तो वो इनकम अलग से आ जाती है, उनकी तो मैंने बात ही नहीं की, सिर्फ लेवल लेवल इनकम आपको इतनी यहाँ से मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अभी हाउस फंड आपको मिलना स्टार्ट होगा, रॉयल्टी मिलनी स्टार्ट होगी, रीपरचेजिंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वो भी हम अनाउंस कर देंगे वो कितना कितना रहने वाला है। उसके बाद आपकी जब टीम में डाउन टू डाउन बनती रहती है, क्योंकि आपने 2 ही लेग में काम करना होता है मेनली, डाउन टू डाउन स्पॉन्सर आप चाहे 200 जितने मर्जी करवा सकते हो, कोई लिमिट कंडीशन कुछ भी नहीं होती। अब मान लो आपकी दोनों साइड पे एक साइड पे 10-10 यूनिट का बिजनेस हो रहा है, टोटल 20 यूनिट का बिजनेस हो रहा है, 10 एक साइड पे, 10 एक साइड पे, तो 10-10 यूनिट की मैचिंग पे आपको पहले 2000 रुपए कैश प्राइस एज अ रिवॉर्ड मिलता है, जहां आप दूसरा ऑप्शन है 5000 के प्रोडक्ट यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। उसके बाद जैसे आपका बिजनेस और बढ़ता है, 20 यूनिट की मैचिंग होती है, तो आपको यहां पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलता है, LDP मिलती है, एक 5-स्टार डोमेस्टिक टूर होता है, जहां पे 4 से 5 दिन का आपको एक अच्छी लग्जरी जगह पे 5-स्टार जगह पे वहां पे इंजॉय कराया जाता है, वहां पे आपको एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी होते हैं और टूर एंजॉयमेंट वगैरह घूमना फिरना वो सब होता है, तो वो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस, आपकी टीम्स और बड़ी होनी शुरू होती है, आपका बिजनेस और बढ़ता है, 60 यूनिट की मैचिंग पे आपको एक एलईडी टीवी मिलता है, उसके बाद 200 यूनिट की मैचिंग पे आपको एक ब्रांड न्यू लैपटॉप मिलता है, की मैचिंग पे एक बुलेट बाइक मिलती है, आप जा तो बुलेट बाइक ले सकते हो, इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कैश ले सकते हो। उसके बाद जैसे आपका बिजनेस 2000 यूनिट होता है, तो 2K पे आपको क्विड गाड़ी मिलती है, उसके बाद जब 4K यूनिट आपकी मैच करती है फिर आपको यहाँ पे स्विफ्ट गाड़ी मिलती है, जब 10K यूनिट मैच करती है फिर आपको यहाँ पे किया सेल्टॉस मिलती है, वो भी फुली पेड, ऐसे नहीं है कि ये कोई डाउन पेमेंट इसकी होगी या ये किश्तों पे इंस्टॉलमेंट पे जैसे बाकी अदर कंपनियां करती है कि इंस्टॉलमेंट पे दिलवा देती हैं।
100% इसकी पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगी, आपको तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपके नाम इसको करवाना है, तो फुली पेड आपको ये 100% पेमेंट मतलब आपको ये चीज मिलनी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप किया सेल्टॉस लेना चाहो तो ये ले सकते हो, सेकंड ऑप्शन है आप क्रेटा व्हील ले सकते हो। उसके बाद जैसे आपका 20,000 यूनिट की मैचिंग होती है तो आपको ब्रांड न्यू BMW X1 जो मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट कार है, क्योंकि अगर डेली यूज के लिए चेक देखिए ना लग्जरी भी है और मतलब माइलेज वगैरह खर्चा वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। BMW X1 आप इसके बारे में यूट्यूब पे चेक करके देखिएगा, 20,000 यूनिट की जैसे आपकी मैचिंग होती है आपको ये गाड़ी ब्रांड न्यू संस्था की तरफ से एज अ रिवॉर्ड मिलती है। अगर आपको ये नहीं पसंद आप दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, आप फॉर्चूनर ले सकते हो। इसके बाद एक और है, बहुत जल्द एक और रिवॉर्ड है, हम अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिनों के अंदर वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। वो रिवॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, वो है कम से कम 1 करोड़ का विला भी हम आगे गिफ्ट करने वाले हैं। तो उसकी जितनी भी यूनिट की मैचिंग होगी वो हम बता देंगे, उस पर क्या होगा 1 करोड़ का विला आपको एज अ रिवॉर्ड। इसके बाद अब लास्ट में चॉइस आपकी है, मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया, अब चॉइस आपकी है। आपने इन सक्सेसफुल लोगों की सुननी है, दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग जो कहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से दोबारा उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनकी बात सुननी है या अड़ोसी पड़ोसी की जो कभी 10,000, 20,000, 50,000 से आगे नहीं बढ़े। चॉइस इज योर्स। अपनी बात करूं, नाम हुसनप्रीत सिंह है, इस इंडस्ट्री में तकरीबन 5 साल का मुझे टाइम हो चुका है। जो भी मेरे ड्रीम्स थे उस टाइम पे, कोई गाड़ी लेना, अच्छा लाइफस्टाइल, वो यहाँ पे फुलफिल कर चुका हूँ और आगे और उन ड्रीम्स को और बड़ा कर चुके हैं। एक LDV मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर चुका हूँ, जिम कॉर्बेट नैनीताल में जो हम मिली थी, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे गया था। तो आज लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो चुका है, कि यू टर्न आ चुका है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस वंडरफुल इंडस्ट्री की वजह से। और आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप द एलाइट ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो। द एलाइट ग्रुप द मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप है, जहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जो चीजें आज से 5 साल 10 साल के बाद आने वाली है ना, उन चीजों की नॉलेज आपको पहले से ही इस ग्रुप में दे दी जाती है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, को वहां पे ये नॉलेज नहीं मिलेगी जो आपको लीड ग्रुप्स की ट्रेनिंग्स में मिलती है। यहाँ पे हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाते हैं कैसे आप घर बैठे अर्निंग ले सकते हो, कैसे आप मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये बड़ा प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए ये हमारा अलाइट ग्रुप का पेज है, द अलाइट अंडरस्कोर ग्रुप। इंस्टाग्राम पे जाके आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको इसके जितने भी हमारे फ्यूचर में इवेंट्स वगैरह जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ पे वो आप ले सकते हो। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया एक बार आप उनसे क्लियर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल को नए सेशन के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।